अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान इन स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट बात, ये टॉपिक क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इस पर बात क्यों करनी चाहिए। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हमारी स्किन जो होती है वो उसके अंदर डिफरेंस आता है अकॉर्डिंग टू दी वेदर, और हमें अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स और स्किन केयर रूटीन चेंज कर लेनी चाहिए। इसकी वजह से हमारी स्किन जो है उसके ऊपर वेदर के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते, और हमारी स्किन जो है वो हमें इस मौसम में भी यानी कि गर्मी के मौसम में भी फ्रेश नज़र आ सकती है। तो क्यों नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमने गर्मियों में अपनी रूटीन में क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें हमने नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनकी स्किन नॉर्मल होती है, जिनकी स्किन मैच्योर होती है या जिनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, नॉर्मल टू ड्राई होती है, उनकी स्किन भी इस मौसम में, इस वेदर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा सीबम बनाना शुरू कर देती है, और पोर क्लॉगेज ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेदर्स। इसकी वजह से क्लिनजिंग बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि मेरी स्किन तो ड्राई है, मेरी स्किन तो मैच्योर है, मुझे तो क्लेंजिंग नहीं करनी। आपको भी क्लेंजिंग करनी है, हर किसी को, हर स्किन टाइप वाले को क्लेंजिंग चाहिए। कौन सी चाहिए, कितनी दफ़ा चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हर किसी को क्लेंजिंग चाहिए, सब स्किन टाइप्स को क्लेंजिंग चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जिन फोर स्टेप्स की बात करेंगे जो कि आपको गर्मियों में मिस नहीं करने, वो क्या है। नंबर वन इज क्लेंजिंग, नंबर टू इज फेस वॉश, नंबर थ्री इज योर एक्सफोलिएशन एंड नंबर फोर इज योर मॉइस्चराइजेशन। ये चार स्किन केयर स्टेप्स हैं। ये चारों के चारों स्टेप्स जो हैं ये वाइटल हैं किसी भी स्किन टाइप के लिए, लेकिन कौन से किस तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए वो देखना बहुत जरूरी है और वो आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ फेस वॉशेस। आप सबसे पहले फेस वॉशेस देखिए, ये देखें, ये मैं आपको फेस वॉश दिखा रही हूँ और ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। ये फेस वॉश जो है इसकी ब्यूटी ये है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन ये नॉन कमीडोजेनिक है, ये वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं बनने देता, यानी कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता, ठीक है। दैट्स वाई इट्स रियली गुड। जिनकी स्किन पे थोड़ी बहुत एक्नी या कभी कभार एक्नी हो जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर लिखा होता है कि इट इज़ बेसिकली फॉर एक्नी प्रोन स्किन, लेकिन ये किसी भी ऑल स्किन टाइप्स पे यूज किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ एक ये, जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, वाइट हेड्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके आगे ब्रश लगा हुआ होता है जो कि बिल्कुल जेंटल होता है और वो जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता, कोई हार्श इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर नहीं देता, ये भी बहुत अच्छा है। अब ये सारे के सारे हम गर्मियों के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये वाला फेस वॉश दिखा रही हूँ। ये वाला फेस वॉश जो है ये इस तरह का फेस वॉश है जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है या जिनकी स्किन जो है वो उसके ऊपर एक्नी है, एक्टिव एक्नी वाले जो है वो इसको यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है और इसको यूज़ करने से आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, आपकी एक्टिव एक्नी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लिनजिंग। तो हम डिफरेंट तरह के क्लिनजर्स देखने वाले हैं। ये देखें कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए क्लेंजर है। आपको ये सबसे ज़रूरी चीज़ बता दूं कि क्लेंजिंग जो होती है वो फेस वॉश से पहले की जाती है, और 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको क्लेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपके फेस की। फेस के ऊपर 10 सेकेंड्स और उसी तरह से नेक को इंक्लूड करते हैं तो नेक के लिए अनदर 10 सेकेंड्स हो गए। तो इसका मतलब ये कि 20 सेकेंड्स ऑल टुगेदर फेस एंड नेक मिला के है, और इससे ज़्यादा आपको क्लेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए क्लेंजर है। उसी तरह यूज़ करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी क्लेंजर आपने यूज़ करना होता है तो वो आपने फेस वॉश करने से पहले फॉर 10 सेकेंड्स यूज़ करना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और क्लेंजिंग जेल। ये भी क्लेंजर है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। जिनकी स्किन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव है वो इसको यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, वैसे कोई भी यूज़ कर सकता है, और इसको भी इसी तरह यूज़ करना है फेस वॉश से पहले। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है, नॉर्मल टू ऑयली है, या फिर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, या अगर थोड़ी बहुत एक्नी होती है माइल्ड सी तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इट्स ऑल्सो ए क्लेंजिंग जेल। अब हम आ जाते हैं
ये एक और क्लिंजिंग क्ले है जो कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्ले फॉर्म में है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और ऐसी स्किन वाले जिनकी स्किन जो है वो थोड़ी मैच्योर हो, थोड़ी सी ड्राई रहती हो लेकिन वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब मैं दिखाने लगी हूँ क्लिंजिंग क्ले, ये भी क्ले है लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन पे एक्नी होती है, एक्नी प्रोन है, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं, बहुत सारे पिंपल्स बनते हैं उनके लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको दो स्टेप्स दिखाए हैं, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्लिंजिंग आती है और जो सेकेंड स्टेप है जिसमें फेस वॉश आता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जिसमें आ जाता है मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। ये देखें, एक मैं आपको ये मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ, ये सेरामाइड्स के साथ है और बहुत ही जबरदस्त है, इसमें पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स दोनों है, ठीक है। कोई भी किसी भी स्किन टाइप वाला इसको यूज कर सकता है और ये ब्रिलियंट है, नॉन कमीडोजेनिक है, बिल्कुल आपको गर्मियों में हैवीनेस फील नहीं होगी, बिल्कुल आपको ये फील नहीं होगा कि इसको लगाने के बाद आपको कुछ लगता है कि स्किन बंद हो गई है, ब्रीद नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स के साथ है, जिनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, जिनकी स्किन जो है वो मैच्योर है, सब इसको यूज कर सकते हैं, हाइपो एलर्जेनिक है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और मॉइस्चराइजर, ये हाइलुरोनिक एसिड है इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट, लेकिन ये क्रीम फॉर्म में है, ऐसा जबरदस्त है, ऐसा प्यारा है कि एक दफा लगाएं तो बस स्किन का ग्लो देखें और बस मजा आ जाए और नॉन कमीडोजेनिक है, कोई आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कुछ नहीं बनने देगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और बहुत ही प्यारा सीरम फॉर्म है, सीरम फॉर्म में है ये मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक एसिड का है और क्या जबरदस्त है, आप लगाएं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, मैंने अपनी स्किन को एक पोशन दिया है, मेरी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड क्या है, मेरी स्किन प्लम्पर लग रही है, मेरी स्किन विदेड नहीं लग रही है, मेरी स्किन एकदम से फ्रेश लग रही है, नॉन कमीडोजेनिक है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं देता, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता और जबरदस्त आपका जो है वो आपकी स्किन को मेनटेन रखता। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जिन लोगों की स्किन जो है वो एक्नी प्रोन है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं, या एक्टिव एक्नी है, ये मॉइस्चराइजर जो है ये एंटी एक्नी मॉइस्चराइजर है, करता तो मॉइस्चराइज ही है लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी है जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके बहुत ज्यादा पिंपल्स या फिर एक्टिव एक्नी चल रही होती है। अब हम आ जाते हैं ये दिखाने लगी हूँ आपको, ये सीरम है और ये हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है और क्या मजेदार सीरम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन को सांस आना शुरू हो गया, आपकी स्किन जो है वो रीवाइटलाइज हो गई और वो ब्रीथ भी कर रही है और मॉइस्चराइज भी है और ग्लो भी कर रही है और प्लम्प भी लग रही है और बिल्कुल हेल्दी और शीन लुकिंग आपकी स्किन होगी। अच्छा, ये सारे के सारे हो गए मॉइस्चराइजर्स। अब मैं आपको एक स्प्रे दिखाने वाली हूँ, ये स्प्रे मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये सूदिंग स्प्रे है, कामिंग स्प्रे है और उसके अलावा मॉइस्चराइज भी करती है, हाइड्रेट भी करती है। इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसको स्किन पे बेयर स्किन पे, यानी कि जब आपकी स्किन साफ हो तब भी लगा सकते हैं, अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, कोई मेकअप किया हुआ है, सनब्लॉक लगाया हुआ है, मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, तब भी आप इसको ऊपर से यूज करेंगे तो ये वही इफेक्ट देगी जो कि आपकी बेयर स्किन के ऊपर यानी कि आपकी साफ स्किन पे लगाने पे देगी। और जिन लोगों को ये लगता है कि वो धूप में जाते हैं उनकी स्किन एकदम से बर्न करना शुरू हो जाती है, एकदम से रेड होना शुरू हो जाती है या फिर उनकी स्किन पे रेड कलर के पैफ्यूम्स बन जाते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। वो मेकअप के ऊपर से भी आप इसको कर सकते हैं, सनब्लॉक के ऊपर से भी कर सकते हैं और आप इसको साफ स्किन यानी कि बेयर स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, है ना, बहुत मजे का प्रोडक्ट, बाकी बहुत मजे का। अब मैं आपको एक्सफोलिएशन के लिए दिखा रही हूँ, एक्सफोलिएशन के लिए जो है वो मैं आपको एक ये वाला स्क्रब दिखा रही हूँ, ये वाला स्क्रब भी अच्छा है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और स्किन का पीएच लेवल भी मेंटेन करता है और स्किन का बैरियर खराब नहीं करता क्योंकि पीएच लेवल जो है वो मेंटेन करता है, ये भी बहुत जबरदस्त है। और अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये जो है ये वैसे तो कोई भी यूज कर सकता है इस एक्सफोलिएशन को, लेकिन जिन लोगों की स्किन पे एक्टिव एक्नी होती है हम ये उनको भी यूज करवाते हैं या जिनके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा बनते हैं उनको भी यूज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि आपको नो हाउ हो जाए कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. नेवरदलेस अगर आपको अपनी स्किन के बारे में समझ नहीं आती है तो पहले आप डॉक्टर को दिखा लें, वो आपको टेलर मेड यानी कि आपकी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना देगा, लिख देगा, आपको गाइड कर देगा. तो आप देखेंगे कि आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, आप जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही यूज करेंगे, चंद जरूरी प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी और वेल मेंटेन रहेगी. अगर आप अपनी रूटीन भी चेंज कर लेते हैं और उसके बावजूद आपने जो भी प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं वो भी चेंज कर लिए, आप सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी स्किन जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह पा रही है, वो डल भी रहती है, उसके ऊपर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी बन रहे हैं और बिल्कुल ऐसे रूखी लगती है, आपको बेजान लगती है, उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, तो फिर आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आएँ ताकि डॉक्टर आपकी स्किन को देख के, एनालाइज करके, एग्जामिन करके और फिर आपको सजेस्ट करें. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्किन की हालत या कंडीशन ऐसी होती है कि उसको साथ में सपोर्टिव प्रोसीजर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं. इस केस में जिस तरह हम समर रूटीन की बात कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन थेरेपी बहुत अच्छी रहती है, क्लिनिक पे आके करवाना पड़ता है. और ये ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये क्या करती है, ये आपकी डीप क्लेंजिंग कर देती है स्किन की, आपके पोर्स जो हैं अगर वो क्लॉग्ड हुए हुए होते हैं उनको जो है वो क्लेंज कर देती है, अनक्लॉगिंग ऑफ पोर्स करती है और उसके साथ साथ डेड लेयर ऑफ स्किन जो है उसको रिमूव कर देती है और साथ में फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपकी स्किन को मिलती है. तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल आपको फ्रेश और रिजुविनेटेड और न्यू महसूस होगी और आप देखेंगे कि आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी बनना बंद हो जाएंगे.